चोलिस्तान जिपरली में सात रोज बाकी, तैयारियां जारी। मैनेजर इवेंट्स टीडीसीपी बहावलपुर पहुंच गए। 20 फरवरी को नूर महल में रंगारंग इफ्तिताही तकरीब होगी। ट्रॉफी रूनमाई के साथ जीप रैली तराना और वीडियो प्रोमो रिलीज किया जाएगा। मैनेजर इवेंट्स कहते हैं इस बार डर्ट बाइक आर्मी तर्ज के मुताबिक 100 किलोमीटर पर मुहित होगी। चोलिस्तान जीप रैली में आर्मी रेसर्स और सैयाह आ रहे हैं। डीपीओ बहावलपुर सैयद मोहम्मद अब्बास कहते हैं लाखों मकामी अफराद समय सैयाहों को सिक्योरिटी फराहम करेंगे, ट्रैफिक जाम नहीं होने देंगे। वज़ीर आला मोहसिन नकवी की ज़ेरे सदारत पंजाब काबीना का 40वां इजलास। 10,000 तलबा को आसान शराइत पर बिला सूद इलेक्ट्रिक बाइक देने की मंजूरी। पंजाब चैरिटीज कमीशन की अपलेट कमेटी तश्कील होगी। सहूलत सेंटर के लिए फंड्स के इजरा की मंजूरी। बहावलपुर और मुल्तान में ड्रग कोर्ट के चेयरपर्सन भी तैनात होंगे। पुरान आम इंतखाबात पर सिक्योरिटी इदारों को खराज तहसीन। वोटर्स ने आजादाना वोटिंग से अपने नुमाइंदे मुंतखब किए। मोहसिन नकवी का काबीना इजलास में कहना था निगरान हुकूमत ने कौमी जिम्मेदारी अहसन तरीके से अदा की, मुख्तसर मुद्दत में रिलीफ के लिए जो कुछ कर सकते थे वो किया। पंजाब में हुकूमत साजी का मरहला। नून लीग मुतहरिक जनूबी पंजाब के आजाद एमपीए से राबतों का आगाज। सलमान नईम को मुल्तान के आजाद उम्मीदवारों से राबते का टास्क दे दिया गया। सलमान नईम कहते हैं कल से सरप्राइज देने का आगाज करूंगा। यूसुफ रजा गिलानी की जीत का नोटिफिकेशन रुकवाने की दरख्वास्त खारिज। हाईकोर्ट मुल्तान बेंच की तरफ से इलेक्शन कमीशन से रजू करने का हुक्म। सीनियर जज जस्टिस सरदार मोहम्मद सरफराज डोगर ने महफूज फैसला सुना दिया। हाईकोर्ट बहावलपुर बेंच में पांच हलकों के नतायज चैलेंज। जस्टिस शकील अहमद ने आज पीपी 243 से खदीजा खानम केस की समाप्त की। 15 फरवरी को दोबारा पांचों केसेस पर समाप्त होगी। मौसम में बेहतरी के बावजूद जनूबी पंजाब में नमूनिया के वार। मुल्तान और बहावलपुर में एक एक बच्चा जांबहक। बहावलपुर में रवा हफ्ते जांबहक बच्चों की तादाद पांच हो गई। चिल्ड्रन कॉम्प्लेक्स मुल्तान में नमूनिया से मुतासा 69 बच्चे जेर इलाज। रवा माह के अख्तिताम तक वालदैन बच्चों को सर्दी से बचाएं, तिबी माहरीन का मशवरा। मुल्तान का इलाका जिक्रिया टाउन गंदे पानी में डूब गया। 15 रोज गुजर गए, गंदा पानी घरों में दाखिल, गुजरना महाल। इलाका मकीनों को मुश्किलात का सामना, तहफुन में सांस लेना महाल। 12 दरखास्तों पर सुनवाई ना हुई, इंतजामिया खामोश। रहीमिया खान गुलशन ताज में भी सफाई की अबतर सूरत हाल, गटर उबल पड़े, गंदा पानी सड़कों पर बहने लगा। मुल्तान में सेहत सफर प्रोग्राम का आगाज ना हो सका। मुस्तहिक अफराद की रजिस्ट्रेशन भी ताखिर का शिकार। सोशल वेलफेयर के इदारों में रिहायशी पसीर अफराद की स्क्रीनिंग ना हो सकी। तिबी सहूलियात की फराहमी में मुसलसल ताखिर। रेलवे मुल्तान डिवीजन की अदम तवज्जो या मुबैना ना अहली। कैंट रेलवे स्टेशन पर रेलवे नसरी सहरा का मंजर पेश करने लगी। देखभाल ना होने से मुतादिद पौधे खुश्क हो गए। महकमे रेलवे को लाखों रुपए का नुकसान। दौरे जदीद में भी पानी का साफ पानी अदम दस्तियाब। मुजफ्फरगढ़ के शहरी आलूदा पानी पीने पर मजबूर। हेपाटाइटिस मेदे समेत दीगर अमराज में मुब्तला। 14 साल से साफ पानी की फराहमी का कोई मंसूबा शुरू न किया जा सका। टैंकी बनाने का मंसूबा भी अधूरा है। शहरियों ने सूरत हाल पर नोटिस लेने की अपील कर दी। अवामी सवारी भी ड्रेप पर भारी। इस्तेमाल शुदा मोटरसाइकिलों की कीमतें भी आसमान से बातें करने लगी। डीजी खान के मोटरसाइकिल मार्केट में आए शहरी परेशान। खरीदार कहते हैं मोटरसाइकिल की कीमतों में इजाफा समझ से बालातर है। कारोबार बंद होने से दुकानदार भी परेशान। रहीमिया खान में यूटिलिटी स्टोर्स रिलीफ की फराहमी में नाकाम। वाफर मकदार में सस्ती अशिया की फराहमी ख्वाब बन गया। यूटिलिटी स्टोर्स पर एक माह से दालें गायब, 15 रोज से आटा नायाब। शहरी आम मार्केट में दुकानदारों के हाथों लूटने पर मजबूर।
तुलंबा में महंगाई ने आवाम का जीना मुहाल कर दिया, कारोबारी तबका भी परेशान। दुकानदारों का कहना है सोने की बढ़ती हुई कीमतों ने मार्केट बहरान कर दी। सोना खरीदना तो दूर की बात, कोई रेट तक नहीं पूछने आता, शाम को खाली हाथ वापस लौट जाते हैं। मुल्तान में आम के बागात पर नुकसानदेह कीड़ों की अलगार, मुख्तलिफ इलाकों में स्केल एंथ्रेक्नोस और डेक्लाइन का हमला। मांगेहट्टी, कादरपुर, लाड़, मंसूरपुर सबसे ज्यादा मुतासर, बागबानों को हिफाजती इकदाम करने की हिदायत। महकमा एक्साइज का टोकन टैक्स ना दहिंदगान के खिलाफ क्रैकडाउन, बासा मुल्तान की गाड़ी भी टैक्स डिफॉल्टर निकली, 7 लाख रुपए से जायद वाजिब अदा, गाड़ी तहवील में, बासा हुकाम को नोटिस जारी। सेल्स टैक्स अदा न करने वाले ज्वेलर्स के गिर्द भी घेरा तंग कर दिया गया। गैर कानूनी पेट्रोल एजेंसियां जिंदगियों के लिए खतरनाक, जहानिया में सिविल डिफेंस की कार्रवाइयां, एजेंसी सील, पेट्रोल और मशीन तहवील में, शहरियों से गैर कानूनी पेट्रोल एजेंसियों की निशानदेही करने की अपील। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर सुमैरा रवानी की जेर सदारत इजलास, 26 फरवरी से शुरू होने वाला इंसदादे पोलियो मुहिम की कामयाबी के हवाले से तबादले ख्याल, टीमों की कारकर्दगी मॉनिटर करने की हिदायत, वालिदैन से पोलियो टीमों से तआवुन करने की अपील। उधर डीसी मियांवाली की जेर सदारत इंसदादे पोलियो कमेटी का जायजा इजलास। मुल्तान में ट्रांसपोर्टर्स का बाईपास चौक पर इजलास, दरपेश मसाइल के हवाले से तबादला ख्याल। शुरका का कहना था कि जनरल बस स्टैंड की हालत इंतजामिया की कारकर्दगी पर सवाल या निशान है, मसाइल फौरी हल करने का मुतालबा। वजारत मजहबी उमूर के जेर एहतमाम आजमीन हज की तरबियत, रहीमिया खान से 700 से जायद आजमीन हज की शिरकत। डायरेक्टर वजारत हज रेहान खोकर का कहना है जिले सतह पर तरबियत का इनेकाद किया जा रहा है, मनासिक हज और उम्र की तरबियत दी जा रही है। इम्तिहानात के हवाले से मुल्तान में ट्रायल टेस्ट, पहली से आठवीं जमात तक के टेस्ट लिए जाएंगे। फाइनल इम्तिहान के पैटर्न पर मजामीन को 3 हिस्सों में तकसीम किया जाएगा, टेस्ट 15 फरवरी से शुरू होंगे। खानेवाल में खसूसी स्कूल के तलबा में मुफ्त यूनिफॉर्म तकसीम, 9 मुंतखब एमपी राना सलीम हनीफ ने यूनिफॉर्म तकसीम की, बच्चों को बेहतर से बेहतर तालीमी सहूलियात फराहम करेंगे, राना सलीम हनीफ की गुफ्तगू। और नवंबर में काश सरसों की फसल तैयार होने के करीब, रवा माह के आखिरी हफ्ते में फसल की कटाई शुरू होगी। मौजूदा मौसमी सूरत हाल के पेश नजर फसल पर तीले का हमला, 80% फलियां खिलने से कबल आखिरी आपाशी की हिदायत कर दी।